रिश्तों की दुआई इतनी थी, फिर वायनाड चले गए। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। रिश्तों की दुहाई इतनी थी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है, तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, ना रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना इतने साल उसका सम्मान रखा। आज जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 20 मई को जब कमल का बटन दबाएंगे तो गरीब आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाएगा। आप सब जानते हैं 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो हर किसान 6,000 रुपया अपने बैंक के खाते में पाएगा। आप सब जानते हैं कि आप 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आयुष्मान भारत योजना की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा पाएंगे। आप ये जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि देश भर में हर नागरिक की कमाई की गिनती की जाएगी। यहाँ कितने लोग हैं जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाए हैं, अक्षत पाए हैं? पाए ना। अब ये बतलाइए, किसी ने अक्षत ठुकराया, प्रसाद ठुकराया? हमारा धर्म समझाता है, हमको सिखाता है सबके धर्मों का सम्मान करो, सभी प्राणियों का जीव जो है उसका सम्मान करो। हमारा धर्म यही सिखाता है ना। हमारे धर्म में जब ये संस्कार है कि प्रभु राम का अपमान न हो, हर भगवान का सत्कार हो, तो ये बतलाओ कैसा लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। और रामप्रसाद जी जो यहाँ 50 साल सांसद रहे, 15 साल लापता रहे, अगर भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं तो मुसाफिर खाना में रामलीला मैदान कहाँ से आ गया। लेकिन ये भी सत्य है, जिंदाबाद रानी जिंदाबाद, ये भी सत्य है कि वो मात्र भगवान राम के अस्तित्व से ही अपरिचित हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर उन्हें बोले कि मुसाफिर खाना बिना जीपीएस के अकेले जा पाओगे, रामप्रसाद जी बैठे हैं, यहाँ मटियारी जी बैठे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि मटियारी जी के गांव क्या बिना जीपीएस के पहुंच पाओगे, बिना किसी कांग्रेसी नेता के पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर आज कांग्रेस के उस लापता सांसद से पूछा जाए कि इन्होना कहाँ है, पन्होना कहाँ है, महोना कहाँ है, बता पाएंगे? भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, सिंहपुर कहाँ, संग्रामपुर कहाँ, थौरी कहाँ, ग्राम थौरा कहाँ, हलियापुर कहाँ, जगदीशपुर कहाँ, बता पाएंगे? वो ये नहीं बता पाएंगे कि वर्षों वर्ष जब कांग्रेस की सत्ता रही, जगदीशपुर वाले अगर हलियापुर वालों के यहाँ बेटी का रिश्ता करते तो ये मान के चलते कि हरियापुर से बारात एक दिन देर से ही आएगी, गोमती नदी का पुल बन जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मोदी है तो ये भी मुमकिन है। आपने कमल का बटन दबाया और हमने
हमने गोमती नदी का पुल बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी, कमाई गिनने के बाद छुपैया नेता नहीं बोले, राहुल जी प्रियंका जी बोले कि हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी, फिर कांग्रेस वो कमाई लेगी, फिर जैसा उचित समझे कांग्रेस वो संपत्ति लोगों की बांटेगी। अब हम जानते हैं अमेठी वाले, कांग्रेस आज तक किसी गरीब को मुंशीगंज गेस्ट हाउस में एक कप चाय भी पिलाए हैं? नहीं पिलाए। ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो बरासत आधी कांग्रेस को जाएगी, जो बचा वो फिर परिवार में, भाई है तो भाई में बटेगा, बच्चे हैं तो बच्चे में बटेगा, फिर बीवी जो है वो थोड़ा पाएगी। मतलब कांग्रेस ना जीने देगी ना चैन से मरने देगी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल खिलाओ।